थार वाला कम से कम चल रहा है 120 130 की स्पीड पे। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं, देखो सामने दिख गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अमित व्लॉग्स। तो आज मैं जा रहा हूँ गाजियाबाद में, जो नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है एरोप्लेन के अंदर, जो बनाया गया है अभी, कल परसों ही उसका उद्घाटन हुआ है। तो वहीं जा रहा हूँ मैं, आज अकेले जा रहा हूँ और एक घंटे का रास्ता है पूरा मेरे घर से आसम चौक के पास से। तो देखते कैसी लोकेशन है कैसा नहीं है। वैसे तो मैंने पहले देखा हुआ है उसको, जब वो बन रहा था, जब काम चल रहा था उसका, जब मैंने देखा था। तो अब खुल गया है पूरी तरीके से, तो अब देखते हैं वहाँ पे क्या लोकेशन है, कैसे जा सकते हैं नहीं जा सकते। क्योंकि अभी तक सबसे पास में जो पड़ता था सोनीपत पड़ता था, सोनीपत के पास में टर्मिनल 3 या टर्मिनल 2 के नाम से है कोई, मैं वहाँ पे भी गया हूँ बट एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा। जुरैसिक पार्क के आसपास पड़ता है वो, तो ये पास पड़ेगा मुझे लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि काले खां से लेके वहाँ तक पूरा हाईवे हाईवे है। तो चलते हैं दिखाते हैं आपको वहाँ पे लोकेशन पहुँच के और रास्ते का व्यू, क्योंकि जो हाईवे है दिल्ली मेरठ वाला वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हाईवे है। दोनों साइड खेत हैं और बीच में बहुत बढ़िया हाईवे बना हुआ है। चलते हैं दिखाते हैं आपको लोकेशन भी और रास्ते का सफ़र भी। और ये जैसा कि हर बार होता है काले खां के ट्रैफिक में तो फंसना होता ही होता है, तो काले सराय काले खां पे काम चल रहा है तो उसके ट्रैफिक में भी फंस गया हूँ मैं। अभी घर से हमारे बहुत पास पड़ता है, मुश्किल से दो मिनट में पहुँच जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे कम से कम 5-7 मिनट का जाम तो मिलता ही मिलता है। एक तो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के साइड में जो बसेस रुकती हैं तो उसका ही ट्रैफिक होता है पूरा, वो पूरा रोड घेर के चलते हैं। तो ये सामने काम चल रहा है, जहाँ तक कि मैंने सुना है, यहाँ पर लिखा हुआ भी पड़ा है मैंने बोर्ड पे, तो ये जो नहीं जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है ये उससे ज्वाइंट किया जाएगा यहाँ पर। तो काम जोरों शोरों से चल रहा है, जब बन जाएगा तो इसको भी दिखाएंगे हम आपको। तो अभी तो काले खां पे ही हैं, चलते हैं आगे। तो सरायकाले यहाँ का ये फ्लाईओवर अब पार किया है मैंने 10 मिनट के बाद में। बस यहीं से हमें राइट लेना है और राइट लेते ही पूरा हाईवे हाईवे है नॉन स्टॉप वहीं तक, जहाँ पे वो हवाई अड्डा बना है, हवा हवाई के नाम से जो बनाया है वहाँ पे, बिल्कुल हाईवे के पास पड़ता है वो। तो यहाँ से हाईवे पर चढ़ने के बाद काले खां से बिल्कुल नॉन स्टॉप जाता है रोड, तो बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं। क्योंकि सोनीपत पर जो पहले था टर्मिनल 2 के नाम से, वहाँ पहुँचने के लिए रास्ते में से बहुत ज़्यादा जाम लगता है, मधुबन चौक पता नहीं क्या क्या आता रास्ते में, बहुत ट्रैफिक लगता है वहाँ पहुँचने में, 2 घंटे लग जाता है। यहाँ पहुँचने में मुझे लगता नहीं है कि मेरे घर से पूरा 56 किलोमीटर या 56 किलोमीटर है, मुझे लगता नहीं है कि मैं 45 मिनट पहुँच जाऊँगा, मुझे ये लगता है। और वहाँ पहुँचने के लिए, सोनीपत पहुँचने के लिए लगता है पूरा 1.5 से 2 घंटा। तो बस यहाँ से राइट लेने के बाद में हाईवे है पूरा वहाँ तक का। और आज डेट है 7 तारीख, मगर आज इतनी गर्मी हो गई है अभी से ही कि पूछो मत। आज इतनी तगड़ी धूप निकली हुई थी, बहुत तगड़ी धूप निकली, इसलिए मैंने दिन में प्लान नहीं बनाया, इसलिए मैं अब निकल रहा हूँ 5 बजे, ताकि थोड़ा मौसम भी ठंडा हो जाए और एक मुझे काम भी है गाजियाबाद में, वो भी हो जाए। तो ये हाईवे शुरू होने वाला है, बस अब यहाँ से राइट लेना है, बिल्कुल नॉन स्टॉप हाईवे है फिर वो। बस ये इस हाईवे पे जो स्पीड लिमिट है 70 की हुई है, क्योंकि 70 की स्पीड लिमिट मुझे लगता नहीं है कि हाईवे के लिए ज़्यादा है। हाईवे के लिए 70 की स्पीड वो भी कार के लिए बहुत कम है, और जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। ये देखिए ये हाईवे चढ़े यहाँ से नॉन स्टॉप है बिल्कुल। ये हाईवे पे चढ़ चुके हैं अब, यहाँ से नॉन स्टॉप बिल्कुल वहीं जाके निकलेगा ये। वैसे इस पर चलते जाओगे तो आप हरिद्वार ही पहुँच सकते हो, बस ये है कि इस पर स्पीड कैमरा है, 70 स्पीड लिमिट है, मगर दिल्ली पार करने के बाद जब गाजीपुर पार कर लेंगे तो गाजीपुर पार करने के बाद में 100 की स्पीड लिमिट हो जाती है, जिससे कि हम बहुत जल्दी अपनी लोकेशन पर पहुंच सकते हैं, जो कि यहां से 60 या 70 किलोमीटर के आसपास है, 58 किलोमीटर के आसपास है जो कि यहां से। तो 50 किलोमीटर बचा है पूरा यहां से अब, और 50 किलोमीटर का दिखा रहा है सिर्फ और सिर्फ 38 मिनट दिखा रहा है यहां से, क्योंकि हाईवे सामने पूरा, कहीं रेड लाइट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, ऊपर ही ऊपर जाना है फ्लाईओवर के। और स्पीड लिमिट वही 60-70 की है अभी यहाँ पे, और ये गाजीपुर पार करने के बाद 100 की स्पीड लिमिट हो जाएगी, फिर तो और भी जल्दी पहुँच जाएंगे हम। ये देखिए सामने मेट्रो में जा रही है ऊपर, और अभी तो लिमिट में चलना पड़ रहा है हमें, 60-70 की लिमिट के अंदर चलना पड़ रहा है, तो पता भी नहीं लगेगा कब हमें गाजीपुर पार कर लिया, क्योंकि ऊपर ही ऊपर जाना पड़ेगा फ्लाईओवर का। ये देखिए सामने दिख रहा होगा आपको गाजीपुर का कूड़े का पहाड़, और ये कब का में हम दिल्ली से यूपी में पहुंच जाएंगे पता भी नहीं लगेगा फ्लाईओवर के ऊपर ही ऊपर से।
और अभी होने वाली है, बस स्पीड लिमिट यहाँ पे हो जाएगी 100 की, फिर हमें पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो इसीलिए मैंने ये बोला है, आप वीडियो में स्टार्टिंग में बोला था मैंने, ये सोनीपत से जो सोनीपत के पास जो मूर्थल में पास जो पड़ता है वहाँ पे बहुत पास पड़ेगा टर्मिनल 2 से। ये हो गए हम यूपी में एंटर। बस ये है कि टोल लगेगा यहाँ पर, बट ये है कि टोल देने के बाद रोड का जो फील आएगा, जो मज़ा आएगा चलाने का हाईवे पे, वो अलग होगा बिल्कुल। ये देखिए सामने आप लेफ्ट मुड़ जाओगे एलिवेटेड रोड के लिए मुड़ जाओगे, सीधा जाओगे तो मेट पहुंच जाओगे, और हमें सीधे जाना है बिल्कुल। अब टाइम हो गया है 32 मिनट्स के आसपास, हम आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। 45 किलोमीटर रह गया अब। ये राइट साइड में आ गया है हमारे नोएडा सेक्टर 62, जो कि इंद्रपुरम के आसपास पड़ता है। ये यहाँ से हम नोएडा के लिए भी जा सकते हैं, और गाड़ी हमारी चल रही है बिल्कुल स्मूथ 110 120 की स्पीड में, बहुत प्यार से, क्योंकि हाईवे इतना प्यारा बनाया हुआ है। ये गई थार हमारे बराबर में से, देखो ये तो थार वाला कम से कम चल रहा है 120 130 की स्पीड पे। वैसे तो मैंने वीडियो में देखा है कि थार को भागना सेफ नहीं है इतना, बट फिर भी लोग देखो थार को कैसे भगाते हैं, 120-130 पे चल रहा है वो आगे जो थार जा रही है बिल्कुल, क्योंकि 120 पे तो हम ही चल रहे हैं। तो थार को भगाना ऐसे तो सेफ नहीं माना जाता इतना, क्योंकि बॉडी रोल बहुत ज़्यादा है इस गाड़ी के अंदर, बट फिर भी भगाने वाला तो भगाते ही हैं, क्योंकि थार लेते ही शौकीन लोग हैं और इनको भगाने का शौक होता है, वही लेते हैं थार को। तो गाइस यहाँ से रह गए कुल 23 किलोमीटर, और दिखा रहा है मुश्किल से 15 मिनट रास्ता दिखा रहा है यहाँ से। जैसे हाईवे पे चढ़े टाइम हो गया आधा बिल्कुल, स्पीड के हिसाब से स्पीड हमने वही लिमिट में रखी है 100-90 जो कि स्पीड लिमिट है। और जो कहते हैं कि अर्टिगा भगती नहीं है, उन्हें भगानी आती नहीं है लग रहा है मुझे, अर्टिगा खो बहुत भगती है, सीएनजी पे चली जाती है 150 तक तो आराम से, और विद एसी चाहे लोड हो या ना हो, क्योंकि 7 जने मतलब फुल लोड करके मैंने 160-155 तक चला रखी है आराम से, वो भी सीएनजी पे और एसी ऑन, गाड़ी बिल्कुल स्टेबल है। और बट मैंने एक बात देखी है, जो अर्टिगा है ये जब लोड उसके अंदर होता है पब्लिक बैटरी होती है, तो जब चिपक के चलती है रोड से बिल्कुल बढ़िया, जब खाली होती है ना, जब ये थोड़ी लचक के खाती है जैसे पीछे से हिलती है कभी कभी, वैसे सीधे रोड पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर कटिंग वटिंग के लिए गाड़ी नहीं है ये, सीधे रोड पर चाहे कैसी मर्जी चलाओ कितनी मर्जी स्पीड पर चलाओ कोई दिक्कत नहीं है, बस ये कटिंग वटिंग मारोगे तो दिक्कत हो सकती है इसमें आराम से। और ये है कि 80 के बाद एक बार बीप आती है और 120 के बाद रेगुलर बीप बजती रहती है। रोड आ गया बिल्कुल बढ़िया खाली, नज़ारे आने चालू हो जाएंगे क्योंकि दोनों साइड खेत आ जाएंगे। अब और यहाँ से एक किलोमीटर बाद लेफ्ट में सोनीपत भी निकल सकते हो, क्योंकि वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे भी यहाँ से ज्वाइंट हो चुका है। ये देखो इस तरफ खेत आने लगे हैं बिल्कुल खाली और हरियाली, इस तरफ के खेत हैं सामने। बहुत ही बढ़िया दृश्य है बिल्कुल। इस हाईवे पे आके बाहर जैसे बाहर मेरी फीलिंग आती है, कहीं बाहर आ गए हूँ राजस्थान साइड में, क्योंकि दोनों तरफ हरियाली और खेती है। अब चलते हैं अपनी लोकेशन पे और देखते हैं वहाँ पे कैसा रेनोवेशन हुआ है, पूरा तैयार किया गया है तैयार पूरी तरीके से, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था अपनी अर्टिगा की ही वीडियो बनाने आया था इस हाईवे पे, माइलेज की वीडियो बनाने आया था मैं अपने अर्टिगा की, तो उसी इस हाईवे पे गया था मैं, जब मैं उस वहाँ पे गया था तो वहाँ पे उस टाइम काम चल रहा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक भी मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो भी देखना आप, उसमें पता लग जाएगा डिफरेंस जब से लेके अब तक कितना बदलाव आया है वहाँ पर। और ये हाईवे बहुत बढ़िया है, खाली रहता है बिल्कुल, क्योंकि यमुना बस इस पर और मतलब जो हाईवे पे दिक्कत होती है यही होती है कि कोई खाने पीने की दुकान नहीं मिलती, उसके लिए आपको साइड में उतरना ही पड़ेगा। पाँच पचास का राइवल दिखा रहा है और 5:29 हो चुके हैं अभी तक, क्योंकि मैंने स्पीड भी अपनी स्लो कर ली है यहाँ से, वही 80-90 चल रही है।
हरिद्वार यहाँ से है 180 किलोमीटर और मेरठ है 39 किलोमीटर। सो तक अर्टिगा बहुत बढ़िया चलती है, चाहे सीएनजी पे हो या पेट्रोल पे हो। मैंने अभी पेट्रोल पे भी चलाई है और पेट्रोल पे और सीएनजी पे मुझे लगता नहीं कुछ ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ही माइनर फ़र्क है। लोग तो 19-20 कहते हैं, मुझे तो 1920 लगता है, क्योंकि ट्यूनिंग इतनी बढ़िया कर रखी है मारुति ने कि पता लगता ही नहीं कि सीएनजी पे चल रही है पेट्रोल पे चल रही है। कई बार तो ऐसा होता है मुझे खुद ही पता नहीं लगता, मेरे को देखना पड़ता है यहाँ पे जैसे सीएनजी का आ रहा है बना हुआ ग्रीन ग्रीन, तो ऐसे देखना पड़ता है किस पे चल रही है। और कभी कभी ये पता लगता नहीं है कि गाड़ी स्टार्ट है या नहीं है, तो उसके लिए भी मुझे आरपीएम देखना पड़ता है ये स्टार्ट है या नहीं है। कई बार डबल डबल सेल्फी मार दी है मैंने गलती से, क्योंकि मुझे पता ही नहीं लगा कि गाड़ी स्टार्ट है। तो ट्यूनिंग अच्छी खासी ट्यूनिंग है इसकी जो कंपनी ने की हुई है, कंपनी क्लेम भी करती है कि सीएनजी पे इतनी बढ़िया सेटिंग हमने की हुई है कि आप इसको हिल्स पे भी चढ़ा सकते हो सीएनजी के ऊपर ही। हालांकि मैं अभी लेके नहीं गया हूँ, बट इसको मैं सीएनजी पे भी लेके जाऊँगा, एक बार ट्राई करूँगा कंपनी जो क्लेम करती है वो सही क्लेम करती है या नहीं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए अब चलते हैं सीधा वहीं जाके वीडियो में चालू करूँगा। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं, ये आपको दिख नहीं रहा होगा अभी, तो ये प्लेन की आपकी टेल दिख रही है नहीं दिख रही पता नहीं, बट ये है कि यहाँ से हमें लेना लेफ्ट और लेफ्ट लेते ही हम पहुँच जाएंगे सामने। लेफ्ट लेते सामने दिख जाएगा आपको, और ये उसकी बिल्कुल जस्ट सामने ही पेट्रोल पंप बना हुआ है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं, देखो सामने दिख गया होगा आपको, अभी कुछ भीड़ नहीं है खास यहाँ पर, तो इसीलिए मैं आज के दिन आया था कि वीकेंड, कल तो वीकेंड हो जाएगा तो भीड़ हो जाएगी ज़्यादा। पता नहीं अभी चालू भी हुआ या नहीं चालू हुआ, बट वीडियो तो मैंने देखी थी इसकी, चालू हो चुका है ये। एंट्री हो गई है यहाँ पर, एक मैं बोल के आया बस पंकज ये बैठो दो मिनट में आया। अरे आप करो पहले हम थोड़ी देर का सुन हां करो पंजी मां जब दोनों का बात ध्यान रखिए एक भैया का बस बोल कर तो गाइस यहाँ पर 80 लोगों की कैपेसिटी है, एक बार में 80 लोग बैठ सकते हैं और पार्टी वार्टी बर्थडे सेलिब्रेशन पूरा हो सकता है यहाँ पर। ये सामने हाईवे है बिल्कुल, मैंने भी मंगाई है कोक और पराठे मंगाए हैं जो अपने ऑल टाइम फेवरेट पराठे हैं। ये यहाँ का मेन्यू कार्ड है, मेन्यू कार्ड में देखते हैं अपने क्या क्या है। हम स्क्रीन शॉट ले सकते हैं रेट वेट का, अगर आपको आइडिया लगाना है कि सस्ता है या महंगा है। और जो उसका नाम है वो हवा हवाई है। और ये बात है कि बाहर चाहे कितनी भी गर्मी हो मगर अंदर बिल्कुल चिल्ड मौसम हो रखा है, वातावरण बिल्कुल चिल्ड है। पर अभी तो फिलहाल खाली है, अगर अभी आप इंजॉय करना चाहते हैं तो आ सकते हैं, बाद में तो रश होना श्योर है। और ये इसका प्रॉपर एड्रेस है यहाँ पर और नंबर भी है, कॉन्टैक्ट नंबर। और ये सामने आपको ये अभी दिखाऊंगा वैसे बाहर जाके, वैसे यहाँ से दिख रहा है, इसके बिल्कुल सामने एक फूड कोर्ट ही बन रहा है और ओटीटी प्लेटफॉर्म बन रहा है, ओटीटी थिएटर बन रहा है और बैंकेट्स भी बन रहे हैं। आप फ्यूचर में चाहते हैं आप बुक करके अपनी पार्टी वार्टी भी कर सकते हैं। और ये जो बोर्डिंग पास टाइप का है, ये बोर्डिंग पास, ये सोनीपत साइड में भी ऐसे मिलता है और यहाँ पर भी ऐसे मिला है। ये रेट एडजस्ट हो जाते हैं आपके खाने में, 200 रुपये का है ये, इसके पीछे भी लिखा हुआ है। दिखाते हैं आपको, फीडबैक बताते हैं कैसा है कैसा नहीं है। तो ये जैन सेकंड जी का ये अपना है लिखा हुआ है। तो गाइस ये शाम का व्यू है बिल्कुल, अब अंधेरा होने के बाद यहाँ पर लाइटिंग हो जाएगी पूरी। और ये सामने बन रहा है बच्चों का प्लेग्राउंड बनेगा यहाँ पे, बच्चों के लिए एक्टिविटी।
और OTT प्लेटफॉर्म बनेगा और सामने से एंट्री होगी, आगे जाके ये सामने से एंट्री होगी। ये सामने सनसेट होता हुआ और सामने हाईवे, दिल्ली मेरठ हाईवे। दिखाता हूँ आपको भी, ये अंदर का व्यू है बिल्कुल। जब मैं जब खाली पड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा रश हो गया। और ये है कॉकपिट, पायलट बैठे हैं सामने, छोटे छोटे पायलट। चलाओ आवेश, चलाओ। और ये देखो इसका पूरा इंजन, टरबाइन होती है, पूरा रियल प्लेन है ये। तो दोस्तों खाना मैंने खा लिया यहाँ पर, जो कि टेस्ट मुझे अच्छा लगा, तंदूरी पराठा था। और ये साइड में इसके बन रहा है पेट्रोल पंप, अभी चालू नहीं हुआ है। और ये सामने लग रहा है मुझे पूरा इन्हीं का है ये, और अभी आने वाले टाइम में ये बहुत बढ़िया बन जाएगा, इस हाईवे की शान बन जाएगी। अभी बहुत कम पब्लिक है, बट ये आने वाले टाइम में जैसे सुखदेव मूर्थल में फुल पब्लिक भरी रहती है एनी टाइम, ये भी एनी टाइम आने वाले टाइम में ऐसी होने वाला है। ये सारा सामान रखा है अंदर, काम चल रहा है अभी पूरा। और ये जैन शिकंजी वालों का अपना है, वो एक शिकंजी भी पीते, शिकंजी के बिना तो मज़ा नहीं आएगा यहाँ पर आने का। तो गाइस जो यहाँ पर एक्सपीरियंस था मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि जो मैं तो वो फेवरेट पराठे ही आलू के, तो वही मंगाए थे मैंने। तो वो जो मंगाए मैंने दो पराठे और एक कोक थी कैन, वो मुझे 260 रुपये की पड़ी, और टेस्ट अच्छा था। ये है कि अभी तो खाली है, मगर ये मुझे लगता है आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है यहाँ पर, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आके यहाँ पे इंजॉय करो आप, क्योंकि जैसे मूर्थल पे भीड़ रहती है, आने वाले टाइम में ऐसा स्पॉट बनने वाला है, ये मुझे फील आ गई है, क्योंकि काफ़ी अच्छे एम्बियंस हैं। और अभी आने वाले टाइम में ये तो है, इसके साथ में और भी चीज़ें बनेंगी यहाँ पर, तो एक स्पॉट टाइप का बन जाएगा दिल्ली के बहुत पास। और सोनीपत जाने में लगते हैं 1.5 से 2 घंटे, और यहाँ पर मैं पहुँच गया मुश्किल से 40-45 मिनट में पहुँच गया नॉन स्टॉप, क्योंकि सराय काले खाले चढ़ के सीधा आप यहीं उतरोगे, हाईवे हाईवे और टोल भी नहीं है। अब मूर्थल जाते तो टोल पड़ता है रास्ते में एक, तो सही एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है, वर्थ है, मतलब आना चाहिए, एक बार आ सकते हैं आप। बेहद पिकनिक बनानी है संडे वीकेंड पे, आ सकते हैं यहाँ पर। तो हम निकलते हैं नेक्स्ट काम के लिए, और दिखाते हैं आपको वो भी गाजियाबाद में, मुझे कुछ काम है थोड़ी देर का, फिर हम घर निकलेंगे वहाँ से। 6:30 बज चुके हैं, अंधेरा होने वाला है, तो चलो चलते हैं। तो ये कुछ यहाँ का व्यू है जो दूर से दिखता है, ये देखिए अपनी गाड़ी खड़ी है, और ये सामने हवा हवाई। तो गाइज आप वीडियो तो देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, जैसे इससे कि हम आने वाले टाइम में अच्छी अच्छी वीडियो बना के आपको दिखाते रहें। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काम के लिए। तो गाइज जो मुझे काम था गाजियाबाद में, वो भी काम कर लिया है मैंने, यहीं सामने काम था बिल्कुल मेरे पीछे की तरफ यहाँ। तो हम निकलते हैं अपने घर की तरफ, जो कि यहाँ से दिखा रहा है अभी आधे घंटे का रास्ता दिखा रहा है, और फिर इसको एडिट करते हैं, और शायद आज या कल में इस वीडियो को डालते हैं हम। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, क्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो तो देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक नहीं करते वीडियो, तो लाइक भी किया करो, इससे हमारे मोटिवेशन मिलती है इससे हमें। और अभी चलते हैं घर की तरफ और दिखाते हैं रास्ते में, घर जाके वीडियो को एंड करते हैं। निकल चुके हैं गाइस अपने घर की तरफ, अभी इंदिरापुरम पहुंच चुके हैं हम। ये सामने इंदिरापुरम की आप देख सकते हैं बिल्डिंग्स, और बहुत ही अच्छा जाने का डिसीजन रहा आज, क्योंकि खाली था बिल्कुल, अच्छे तरीके से देख सका उसको, घूम सका अच्छे तरीके से, वीडियो बना सका। और ये जगह जो है जाने लायक है, फैमिली के साथ भी जा सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी जा सकते हैं, दोनों साथ जा सकते हैं, और अपना किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना हो तो वो भी कर सकते हैं वहाँ पर। और खाने के लिए सब कुछ रीजनेबल रेट है, मुझे तो लगता है कि ज़्यादा महंगा नहीं था। जैसे मैं एक बार वहाँ पे गया था सोनीपत में टर्मिनल 2 पे, तो वहाँ पे तो मेरे को ज़्यादा हाई लगा रेट, बट यहाँ पे नॉर्मल रेट लगा उसके सामने। तो डिसीजन यही है कुल मिला के कि जा सकते हैं, जाना सही रहा, टाइम वेस्ट नहीं हुआ जाने का, बाकी लोकेशन भी मिल जाएगी आपको
कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, लोकेशन भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो मैं भूल गया बताना वो सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। दोस्तों गाजीपुर पहुंच चुके हैं, गाजीपुर पार करके हम दिल्ली में एंटर हो चुके हैं। अभी तो दिखिएगा नहीं आपको कूड़े का पहाड़, इस साइड में कूड़े का पहाड़ है। तो जाने में जितना टाइम लगा था उससे ज़्यादा टाइम आने में लग गया वापस, क्योंकि ऑफिस की छुट्टी हो गई थी और रश हो गया था काफ़ी ज़्यादा और ऑफिस की छुट्टियाँ हो गई थी, तो इसलिए कैब का ट्रैफिक, लोकल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया था। अब घर पहुँचते हैं, यहाँ से कालेखां उतरेगा सीधा ही हाईवे, कालेखां के बाद लेफ्ट लेना है, अपना घर आ जाएगा। लेफ्ट लेते थोड़ी दूर 2 किलोमीटर होगा, 2-3 किलोमीटर वहाँ से चलते हैं, वहाँ पर दिखाते हैं आपको। तो गाइस ये शाम को दिख रहा होगा अक्षरधाम का नज़ारा, नाइट का लाइटिंग का इतना क्लियर तो नहीं दिख रहा होगा क्योंकि गाड़ियां भी आ रही हैं स्पीड में, बट ये है कि जितना दिख रहा है, जो आंखें देख सकती हैं वो तो खैर कैमरा नहीं देख सकता, बट ये है कि अच्छा लग रहा है देखने में। तो दोस्तों जाते समय भी काले खापे जाम मिला था, मुझे ट्रैफिक मिला था, और आते समय भी थोड़ा सा ट्रैफिक काले खापे लग रहा है मिलेगा आगे, बट ये जब से आश्रम का फ्लाईओवर बन गया है, आश्रम टू DND वाला, जब से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक कम हो गया है, वरना पहले एक एक घंटे लगता था हमें DND से आने में या कहीं से सरायकाल जाने में, बट यह आश्रम से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक बट गया है। जिसको सीधा जाना DND जाना है, जो कालेखा जाना है वो जाता सीधा आश्रम से ही ऊपर फ्लाईओवर पे, जिसको नीचे जाना है, नीचे गाँव है किलोकुरी गाँव अपना, अगर जिसको वहाँ पर जाना है वो नीचे से आता है, तो ट्रैफिक 50% ऊपर आ गया, 50% नीचे आ गया, तो ट्रैफिक इसलिए कम हो गया रोड पर। वरना आश्रम का ट्रैफिक तो आपको पता ही होगा, जो रोज़ जाने वाला उसको पता है कि कितनी सिरदर्दी होती थी आश्रम से जाते समय, बट ये है कि अब बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया, बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। बाकी जब ये फ्लाईओवर काम खत्म हो जाएगा काले खां पर, तो मुझे लग रहा है यहीं से ही एक जॉइंट होगा जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर सीधा कनेक्ट होगा, तो देखते कब काम खत्म होगा ये, बट ये जब भी काम खत्म होगा एक बार चलेंगे एक्सप्रेस वे पर भी, एक्सप्रेस वे भी देख के आएंगे कैसे बनाया है हमारी सरकार ने। तो गाइस ये ऊपर आश्रम का फ्लाईओवर है, इस टाइम पूरा खाली पड़ा हुआ है, मगर कभी इतना जाम होता था यहाँ पे कि आधे आधे घंटा के जाम में खड़े रहना पड़ता था कि गाड़ी चिकड़ के चलती थी आगे, और हमें बस यहाँ से लेना यू टर्न लेते अपना घर आ जाएगा। ये लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो, ये कलंदी कॉलोनी का गेट है, और यहाँ से राइट लिया और अपना घर आ गया। तो वीडियो को देखना पूरा और सब्सक्राइब कर देना चैनल को जितना हो सके, वीडियो को लाइक भी कर देना गाइस और सब्सक्राइब भी कर देना जितना हो सके, और वीडियो को वायरल कर देना। तो यू टर्न ले लिया है हमने यहाँ से, और ये पहुंच गए 1 मिनट में अपने घर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सब्सक्राइब कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियो को। Thank you.